गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज अपन क्लास एट्थ में सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले अपन ने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करा है लैंडफॉर्म्स वाला, एंड सेकंड अपन करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है राज्य एकीकरण, ठीक है, राष्ट्र एकीकरण। मतलब एकीकरण मीन्स क्या होता है? दो या दो से कोई भी अधिक संस्थाएं होती है जिसको अपन मिलाते हैं, या दो से अधिक संस्थाएं या वस्तुएं जिनको मिलाकर हमें एक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन। तो सिविक्स का चैप्टर नंबर अपन पढ़ेंगे 4, नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट आर सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, व्हाट आर इंपेडिंग फैक्टर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी भी नेशन का कोई बेस होता है। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व। किसी भी नेशन का अस्तित्व को, बेस को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ नेशन। अगर हमें नेशन का टर्म मतलब नेशन का मीनिंग समझ में आया होगा, नेशन अंडरस्टैंड होगा, नेशनल नेशन का मतलब समझ में आया होगा, तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेशन इज़ नॉट अ सिनोनियम टू स्टेट, इट इज़ नॉट अ केस आइदर। जनरली द नेशन रिप्रेजेंट द कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल फीलिंग ऑफ पीपल। नेशन क्या है? नेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉलिटिकल को, कल्चरल को, ज्योग्राफिकल की जो फीलिंग होती है, जो पोर्शन होता है हमारी लैंड में पॉलिटिकल का, कल्चरल का, ज्योग्राफिकल का, उसकी जो फीलिंग होती है उसे रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिव करता है। दस द नेशन इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स एक्जिस्टेंस। वॉट इज नेशन? नेशनल इंटीग्रेशन द फीलिंग ऑफ वननेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन इज नेशनल इंटीग्रेशन। क्या हुआ नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब? कि जो सारे हमारे नेशन के, सारे हमारे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, उनकी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग होना, उनके रीजन में, उनके क्रीड मतलब धर्म पंथ होता है ना, धर्म में, कास्ट में, इररिस्पेक्टिव वननेस, मतलब सारी जो फीलिंग्स होती है ना, ये नेशनल इंटीग्रेशन इसी को बोलते हैं। कि किसकी फीलिंग को? द फीलिंग ऑफ वननेस इररिस्पेक्टिव कास्ट की, क्रीड की, रीजन की, लैंग्वेज की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना सारे सिटीजनों में, नेशन के सारे सिटीजन्स में ये सब फीलिंग्स होना, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकीकरण। एकीकरण मीन मतलब मैंने आपको भी बताया ही सही। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिटी इन द नेशन। नेशनल इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, क्या स्टैंड करता है? यूनिटी ऑफ नेशन मतलब हमारे नेशन की यूनिटी को बनाए रखना, मतलब एकता को बनाए रखना। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग्स। द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी वननेस अमंग द पीपल इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का फाउंडेशन क्या है? यूनिटी की फीलिंग होना, एकता की फीलिंग होना। द नेशनल इंटीग्रेशन सिम्बायोसिस ऑफ कमिटमेंट बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ द सिटीजन्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू अपोज द फोर्सेस एंड फीलिंग्स विच वीकन द इंटीग्रेशन एंड यूनिटी ऑफ नेशन एंड परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को, हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को बनाए रखना ये हमारी ड्यूटी है, और ये हमारे यूनिटी ऑफ नेशन की भी ड्यूटी है, और ये हमारा इंटीग्रेट होता है, ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए कि हम सारे सिटीजन्स हमारी नेशनल इंटीग्रेशन की जो ड्यूटी है उसका पालन करें और उस हिसाब से हमारी सारी ड्यूटियों को परफॉर्म करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम इन एंशंट इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है पुराने समय की, ठीक है, एंशंट इंडिया की। एंशंट इंडिया मतलब क्या होता है? एंशंट मतलब क्या होता है? पुराने समय की बात कर रहे हैं अपन। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स केम टू इंडिया इन द पास्ट। पीपल जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से और डिफरेंट रीजन से हमारे इंडिया में आए थे पुराने समय में, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम चूज देयर इज इंडिया एज देयर होम। बहुत सारे लोगों ने इंडिया को क्या माना था? अपना होम माना था। दे स्टेड ऑन एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। वो हमारे यहाँ के पार्ट के क्या बने थे? कल्चर, सोसाइटी के क्या बने थे? पार्ट बने थे। बाहर के जो लोग थे वो, दे मिंगल्ड हियर एंड देयर लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन्स, मिंगल्ड मीन होता है जो मिक्स मिश्रित बोल सकते हैं इसको अपन हिंदी में, वो सब चीज़ों में, लैंग्वेज में, कस्टम में, रिलीजन में, कल्चर में, हमारे सब जो इंडिया के पार्ट्स में ग्रेजुअली उनने पार्ट करा था सारे सब चीज़ों में, कल्चर में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, इन सब चीज़ों में, मिश्रित चीज़ों में उनने क्या करा था, मतलब अपना हिस्सा भी पूरा
इन सब चीज़ों को समझा, मतलब हमारी चीज़ों को, और इसमें अपना पार्ट भी रखा कि हाँ मतलब ये सब रीजन्स लैंग्वेजेस क्या होती है, इन सब चीज़ों को जो मिश्रित होता है ना लैंग्वेज का, कल्चर का, रिलीजन्स का, इसमें भी उनने हमारे इंडिया में पार्टिसिपेट करा, मतलब इन सारी चीज़ों को समझा। दिस प्रोसेस इज़ फैक्ट एडेड टू द रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर। वैन वी टॉक अबाउट द इंडियन कल्चर, इट इज़ नॉट अ कल्चर ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, बट इट मीन्स द कल्चर ऑफ एंटायर इंडिया। अगर हम इंडिया की कल्चर की बात करें तो कोई ये हमारे कोई रिलीजन का, कास्ट का, क्रीड का, है ना, कोई मतलब कोई सिर्फ कल्चर ही नहीं है ये सब चीज़ों पर, बट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, कल्चर ऑफ एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का कल्चर है हमारा ये, ठीक है। जो रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, इन पे ही हमारा ये सब कुछ नहीं टिका है, एंटायर इंडिया, पूरे क्या बोल रहा है वो, एंटायर इंडिया मतलब पूरे इंडिया का जो कल्चर है वो हमारे इंडियन कल्चर पे है, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के कल्चर की बात कर रहे हैं, सिर्फ रिलीजन, कास्ट और क्रीड की बात नहीं कर रहे हैं। मैनी डीड्स हैव डन सिंपली फॉर अ सेक ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ओल्ड डेज। इन एंशंट इंडिया इट वॉज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पीपल टू ट्रेवल ऑफ बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम एंड द्वारका फॉर पिलग्रिमेज। दे इंकरेज्ड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू ट्रेवल वन प्लेस टू अनादर। दिस ट्रेवलिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। ये बता रहे हैं कि जैसे जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, पीपल जो एक से जगह दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, जैसे बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं, दे इंकरेज पीपल फ्रॉम वॉक्स ऑफ लाइफ टू ट्रेवल फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जो ये ट्रैवलिंग है ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेंथनिंग का, हमारी एकता को दिखाने का। इन द सेम वे महाकुंभ विच इज़ हेल्ड एट फोर डिफरेंट प्लेसेस, जैसे महाकुंभ जो होता है ना, जैसे बोलते हैं कि 12 साल में एक बार कुंभ आता है ना, 3 ईयर्स में भी आता है, तो जैसे ये भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी राष्ट्रीय एकता का। जैसे जो महाकुंभ होता है वो 4 अलग अलग जगहों पर होता है, 4 अलग अलग सिटीज़ में होता है, एक तो जैसे उज्जैन में ही होता है, आप लोग भी जानते हैं। दिस अरेंजमेंट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस, ये सब हमारी यूनिटी को बताता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वन इज़ दैट विच इज़ बेस्ड ऑन यूनिटी, कॉमन लैंग्वेज, मोड ऑफ लिविंग। हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं नेशनल, राष्ट्रीय एकता के कॉन्सेप्ट की, तो 2 टाइप्स के नेशनल इंटीग्रेशन होते हैं, मतलब 2 तरीके के राष्ट्रीय एकीकरण होता है। पहला जो है वो क्या है, हमारी यूनिटी, हमारी एकता, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, मोड ऑफ लिविंग, हम रहते कैसे, हमारे राइट्स, हमारे रिचुअल्स, है ना, हमारा जो धर्म है, हमारे रिचुअल्स क्या क्या हैं, ठीक है, रिलीजन एंड कॉमन मोड ऑफ वर्शिप, हम किस भगवान को मानते हैं, किस वर्शिप पे बिलोंग करते हैं। द अदर टाइप ऑफ नेशनल यूनिटी इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दूसरा टाइप क्या है नेशनल यूनिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, भिन्नता। भिन्नता मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं कि द लैंग्वेज है, मोड ऑफ लिविंग, राइट्स, रिचुअल्स, रिलीजन एक्सेट्रा मे बी डिफरेंट, बट आइदर आउटलुक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज़ द सेम। मतलब ये सारे भिन्नता, मतलब ये बता रहे हैं कि उनके लैंग्वेज, मोड ऑफ राइट्स, रिचुअल्स, रिलीजन, ये सब जो है वो सब एक जैसे रहेंगे, बट आउटलुक ऑफ नेचुरल सिक्योरिटी इज़ द सेम। जो हमारी नेशनल की सिक्योरिटी, जो हमारी राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो सेम है, पर उनके रिलीजन जो है, कास्ट जो है, रिचुअल्स जो है, वो थोड़े अलग अलग हो जाएंगे। भिन्नता मतलब ये होता है कि भले ही हमारे जो धर्म है, हमारी कास्ट अलग अलग है, सब कुछ है, पर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, जो हमारा आउटलुक है, जो हमारे नेशन के लिए हमारा एकता है, वो हमारी हमेशा एक रहती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मैंने आपको 6th क्लास 7th क्लास में भी बताया था, एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे 3 बच्चों की ड्राइंग है, तो भले ही वो ड्राइंग अलग अलग है, पर जैसे ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप ड्राइंग बना रहे हैं और आपका दूसरा फ्रेंड ड्राइंग बना रहा हो वो बिल्कुल सेम हो, सबका अपना अपना नज़रिया होता है सोचने का, तो भले ही उसने अलग बनाई हो, पर हमारी यूनिटी तो एक है ना, हम है तो सब एक ना, भले हम चीज़ भिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ों पर बिलोंग करते हैं, अलग अलग चीज़ें ड्राइंग यूज़ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पर हमारी एकता, हमारी जो मतलब भिन्नता कितनी भी हो, पर हमारी एकता हमेशा एक ही होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकेंड टाइप ऑफ यूनिटी। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विच इज़ मोस्ट इक्वल टू यूरोप विदाउट रशिया। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ऑलमोस्ट अपन इक्वल मान लो उसको यूरोप के, जैसे बिना रशिया के जो यूरोप है उसके इक्वल में हमारी इंडिया आती है। एज़ फार एज़ पॉपुलेशन इज़ कंसर्न, इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे हमारी इंडिया आती है पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर है, तो सेकेंड नंबर पर हमारी इंडिया है। मोर देन 250 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन, 250 लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है।
22 लैंग्वेजेस हैव बीन नोटिफाइड एज नेशनल लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 लैंग्वेजेस जो है वो नोटिफाइड है नेशनल लैंग्वेजेस में, मतलब नेशनल मतलब राष्ट्र लैंग्वेजेस में, राष्ट्र भाषा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई है। एज फार एज रिलीजन्स आर कंसर्न, ऑलमोस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोड बिसाइड, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चन है, परसीज है, सिक्स है, पीपल्स और मैनी अदर फेथ सीवियर, यहाँ पर इतने सारे अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं। इट इज़ बोवियस दे आर मैनी डाइवर्सिटीज इन देयर ड्रेसिंग हैबिट्स भी इनकी अलग अलग होती है, फूड हैबिट अलग होती है, लिविंग वर्शिप अलग होता है, ठीक है। डाइवर्सिटीज़ मतलब ये सारी क्या है हमारी, इनकी डाइवर्सिटीज़ है, पर इन सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद में भी, इन सारी भिन्नताओं के बाद में भी, ये सारी अभिन्नता मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। इन सारी अलग अलग चीज़ों के होने के बाद में भी देयर इज़ यूनिटी वेयर नेशनल इंटरेस्ट इज़ कंसर्न, उसके बाद भी हमारी यूनिटी, हमारी एकता एक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में भी भिन्नता, भिन्नता में भी अलग अलग, भिन्नता में भी हमारे पास एकता है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्ट्रेंथन अवर यूनिटी, ये जो हमारी स्ट्रेंथ को बनाए रखता है, हमारी जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, उसकी सबसे बड़ी एकता क्या है, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब हमारे सब साथ में रहना, हमारे जुड़े जुटे मतलब सब साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी सबसे बड़ी एकता ही जो है वो क्या, हमारी स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। और हमारी यूनिटी काय से बनी हुई, स्ट्रेंथन से बनी हुई, हमारे एक होने से बनी हुई है। दैट इज़ वाई द इंडियंस, इसीलिए इंडियंस लोग क्या बोलते हैं, श्रीनगर और गुवाहाटी अवर कंट्री अवर सॉइल। जैसे श्रीनगर हमारे पूरे मैपिंग में देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है, गुवाहाटी सबसे नीचे आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वो कंट्री अलग हो गई, वहाँ की मिट्टी अलग हो गई और गुवाहाटी की सॉइल अलग हो गई, मतलब भले ही वो इतने दूर दूर है, सबसे ऊपर श्रीनगर आता है और सबसे मैपिंग में गुवाहाटी आता है, पर श्रीनगर और गुवाहाटी है तो हमारे ही देश में ना, तो हम अपनी ही कंट्री और अपनी ही मिट्टी है, ऐसा स्लोगन ही है। प्रमोशनल फोर्सेस, द नेशनल लीडर्स ऑफ अवर कंट्री हैव पुट इन वैल्यूएबल एफर्ट्स टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं हमारी कंट्री के, वो भी बहुत वैल्यूएबल मतलब बहुत एफर्ट्स किए उन्होंने हमारी यूनिटी को और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी, हमारी एकता को और हमारी ईमानदारी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी करे हैं हमारे यहाँ के नेशनल लीडर्स ने। दे इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन आइडियल्स एंड प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। द प्रिंसिपल्स इसेंशियल फॉर अ इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मतलब यूनिटी में, जैसे डेमोक्रेसी है, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं हमारे स्टेट में, तो हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे यूनिफॉर्म जुडिशरी है, सेक्युलरिज्म, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतंत्र देश है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अगर हम हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, हर पर्सन का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे अधिकार होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। दिस राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इंजर्ड ऑल द इंडियंस। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बिना भेदभाव के हमारे सारे जो इंडियंस के ये जो राइट्स होते हैं, ये सारे हम लोग हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी राइट्स हैं और हमेशा रहते हैं जो 6 राइट्स हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी बिना भेदभाव के, ये सारे जो भी सिटीजन्स हैं उस पर इनका पूरा हक है। द राइट्स आर इसेंशियल फॉर ऑल ओवर ग्रोथ एंड वेलफेयर फॉर अ सिटीजन। प्रोविजन्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स, द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब मतलब इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डेवलप मतलब सारे सिटीजनों ने क्या करा है कि जैसे सेक्शंस बना लिए सोसाइटी के, जैसे ST कास्ट कर दी, SC कास्ट कर दी। SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, ST का होता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकग्राउंड, जैसे OBCs होते हैं ना, OBC होती है कास्ट, एक जनरल होती है। हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड, इस तरीके से मतलब सब इंसान क्या हो गया, अपने हिसाब से प्रोटेक्टेड और सेफ गार्ड हो गया। एवरी कम्युनिटी हैज़ अ राइट टू प्रिजर्व इट्स लैंग्वेज एंड रिलीजन। हर कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज और रिलीजन के क्या होती है, प्रिजर्व होती है, उसके राइट में होती है, मतलब ठीक है, राइट होता है उनका। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द बेनिफिट फॉर द पुअर एंड एक्सप्लॉयटेड। सेकेंड होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव ऑल्सो बीन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज़ रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि जितने भी हमारे मतलब सिटीजन्स के हमारी मतलब हमारे जितने भी सिद्धांत हैं, हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, एवरी सिटीजन शुड बी कॉन्शियस एंड रेडी टू बी सर्व द नेशन एंड अपहोल्ड द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? ईमानदारी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर सिटीजन को कॉन्शियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और रेडी रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए और हमारे एकता के लिए और हमारी यूनिटी के लिए। द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट द सिटीजन इन इंडिया। देयर इज़ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम फॉर द सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच इम्प्लीमेंट इक्वल लॉस फॉर ऑल। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी इज़ यूनिफॉर्म पायरामिड। थर्ड अपन पढ़ते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पता है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्षता है। मतलब धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। अगर हमारी जैसे सरकार मुस्लिम की भी बनी है तो ऐसा नहीं कि वैसे मुस्लिम मुस्लिम की सुनेगी और हमारे इंडियंस की नहीं सुनेगी। धर्म मतलब निरपेक्षता नहीं होनी चाहिए कि ये धर्म को ज़्यादा मान सम्मान दिया जाए या उस दूसरे धर्म को ज़्यादा मान सम्मान दिया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड आर ओन रिलीजन्स फ्रीडम। कोई भी डिफरेंट रिलीजन्स का होता है तो उसके सबकी रिलीजन्स के अपने को अलग अलग सबको फ्रीडम दी गई है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। जो हमारी सरकार है वो किसी भी धर्म के साथ किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। नेशनल सिंबल्स, हमारे नेशनल राष्ट्र के सिंबल्स क्या, चिन्ह क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिंबल्स एंड इंस्पायर आइडियल्स एंड डिवोशनल टूवर्ड्स नेशनल फ्लैग। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है जो तीन कलर का होता है, नेशनल एंथम है जैसे जो क्या है जन गण मन है, नेशनल सॉन्ग है कि वंदे मातरम है, नेशनल एम्बलम है जो अशोक एम्बलम है, ठीक है। तो हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा होता है, तीन कलर का होता है। नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन है। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम है। नेशनल एम्बलम क्या है, अशोक एम्बलम है, ठीक है, अशोक चक्र है। दिस आर द सिंबल्स ऑफ अवर यूनिटी एंड आइडेंटिटी एंड वर्क ऑफ द फोर्स टू मेंटेन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या है, सब हमारे सिंबल्स हैं, हमारी यूनिटी को हमारी एकता को बताते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे राष्ट्र एकीकरण को और मेंटेन बना के रखते हैं इन सब चीज़ों को। दिस आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज कास्ट एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे तरीके के कम्युनिटीज़ के, कास्ट के, लैंग्वेजेस के, अलग अलग भारत में सब लोग अलग अलग रहते हैं, कास्ट के, लैंग्वेजेस के। हु हैव देयर ओन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं, ड्रेसेस होती है, सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं। वी ऑल्सो हैव थ्री नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे तीन नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जो राष्ट्रीय फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार, एक इंडिपेंडेंस डे, एक रिपब्लिक डे और एक गांधी जयंती। ये जो तीन फेस्टिवल्स होते हैं ये क्या हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, जो हम हमारे भारत में सेलिब्रेट भी करते हैं। दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रॉन्ग। इससे हमारी जो यूनिटी होती है जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा ताकतवर होती है, ठीक है। इससे हमारी जो नेशनल मतलब जो फीलिंग होती है नेशनल यूनिटी के लिए वो और स्ट्रॉन्ग होती है। फिफ्थ अपन पढ़ेंगे टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। पर्यटन और राष्ट्र एकीकरण क्या होता है, ठीक है। टूरिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज़ बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म हेल्प इन टूरिस्ट ब्रिंग अस क्लोजर। पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर एंड बिल्ड्स कॉमन फीलिंग एंड आउटलुक अमोंग देम। टूरिज्म इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू नोइंग द डेवलपमेंट इन कल्चर। जो मतलब हमारा पर्यटन स्थल है, जो हमारा घूमने फिरने का इतना पर्यटन स्थल है, वो भी बहुत हेल्पफुल है, वो भी बहुत मददगार है हमारे डेवलपमेंट को आगे करने के लिए, हमारे कल्चर को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती है उनको, हमारी इंडस्ट्री को, एंड ऑल्सो न्यू डायमेंशंस, नए नए डायमेंशंस भी प्रोग्रेस हमारी कंट्री अलग अलग कर ही रही है। इंडिया इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स। गार्लैंड मतलब होता है फूलों का हार। तो मतलब बहुत सारे फूलों का हार लगता है हमारा इंडिया। इंडिया किस तरीके का, इंडिया इज़ लाइक अ गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स, मतलब अलग अलग फूलों का हार, बहुत सारे अलग अलग फूलों का हार जैसा है हमारा भारत। मल्टी कलर्ड एंड मल्टी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, अलग अलग कलर के और अलग अलग खुशबुओं के फ्लावर्स का
पार्ट है हमारा यूनिक गार्लैंड, फूलों का हार। दिस सिंपली मीन्स वी आर यूनाइटेड एंड लाइव टुगेदर विथ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड लव। मतलब एक शांति से और एक प्यार से हम हमारे देश में यूनिटी बना के, एकता बना के रखते हैं। द फीलिंग ऑफ अवर नेशनलिटी मेक्स इंडिया एज प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल कंट्री। ये जो हमारी फीलिंग है जो नेशनलिटी की है, ये हमें क्या करती है, पावरफुल हमारी कंट्री को और पावरफुल बनाती है और प्रॉस्पेरस बनाती है। डिसरप्टिव फोर्सेस पढ़ते हैं। डिसरप्टिव फोर्सेस मतलब विघटनकारी जो मतलब ताकतें होती है, जो मतलब नेगेटिव फोर्सेस होते हैं ना एक तरीके से, वो अपन पढ़ते हैं कि और क्या ये क्या होते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दिस नेशनल इंटीग्रेशन वॉज नेवर अ प्रॉब्लम ऑफ एंशंट इंडिया। आपने पढ़ा, अभी पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले की एंशंट इंडिया की, ठीक है। इंडिया एज द एंटायर नेशनल वॉज बाउंड टू फैब्रिक ऑफ द यूनिटी। इनफैक्ट अ प्लांट मूव टू प्रमोट डिवाइडिंग फोर्स इन द कंट्री। जो मतलब प्लांट होते हैं, जो मतलब हमारी जो कंट्री होती है उसको क्या करते हैं, अधिकतर डिवाइडिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना मतलब जो हमारी कंट्री को डिवाइड करती है, जैसे 19th century विद द प्रोपोगेंडा ऑफ रेस थ्योरी। इन दिस रेस थ्योरी एफर्ट्स वर मेड टू एलिनेट। एलिमिनेट मतलब होता है अलग अलग करना एक से दूसरे पीपल्स को, ईच अदर मतलब हर एक पीपल को अलग अलग करना, एलिमिनेट करना। टूडे सच थिंग्स आर ऑन डिक्लाइन। मतलब बहुत सारी चीज़ें आज भी क्या हुई, ख़त्म होने लगी हैं। स्टिल देयर आर सम डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस। बहुत सारे फोर्सेस आज भी डिस्ट्रप्टिव मतलब बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस आज भी हमें तोड़ने के लिए, हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए लगते हैं, दैट हिंडर नेशनल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एकीकरण में बाधित करती हैं। हिंडर मतलब बाधित करती हैं। सम पीपल्स फॉर सेल्फ गेन प्रमोट्स फीलिंग ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन। मतलब हमारे रीजन, हमारी लैंग्वेज, हमारे रिलीजन को लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो हमें बाधित करती है, डिस्ट्रप्टिव, रोकती है हमारी यूनिटी को बनाए रखने में। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द सोसाइटी। ये सब क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है, लड़ाई का, टेंशन का कारण बनती है हमारी सोसाइटी में। और ये चीज़ें क्रिएट होती हैं मतलब कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, हमारी सोसाइटी में अगर क्रिएट होंगी, बढ़ेंगी, तो हमारी सोसाइटी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा ना। सच अ सिचुएशन ऑफ, ये हमारी जो सारी सिचुएशन होती है ये हमारी यूनिटी और इंटीग्रेशन को क्या करती है, वीक बनाती है, मतलब कमज़ोर बनाती है। दिस डिसरप्टिव फोर्सेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है। अब ये कौन कौन से ऐसे फोर्सेस है, जैसे फर्स्ट है कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता। द वर्ड कम्युनलिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी। कम्युनिटी से ओरिजिनेटेड हुआ है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी फॉर वन कम्युनिटी एंड इट्स फेथ एंड दैट इन्फीरियरिटी फॉर द अदर एंड कीप द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी अबाउ नेशनल इंटरेस्ट। कम्युनलिज्म इज ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट ऑफ यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। कम्युनिटी, कम्युनलिज्म जो है वो हमारे मतलब बहुत मेजर थ्रेट रहा है हमारी यूनिटी के लिए, मतलब हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए। वी हैव नोन हाउ नैरो कम्युनल फीलिंग्स एंड कम्युनल राइट्स इन 1947। राइट्स मतलब होता है बहुत सारे, जैसे कम्युनिज्म फीलिंग और बहुत सारे कम्युनल राइट्स, मतलब दंगे भी हुए थे जो 1947 में हुए थे, एंड स्प्लिट इंडिया इनटू टू कंट्रीज। उससे क्या हुए थे, हमारी जो इंडिया है वो दो भागों में बट गई थी, इंडिया और पाकिस्तान में। लैक्स ऑफ पीपल वर स्लेन एंड रेंडर्ड होमलेस। बहुत सारे लाखों पीपल क्या हुए थे, होमलेस हो गए थे, मतलब बेघर हो गए थे। एवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सच एज कम्युनल टेंडेंसीज स्टिल पेरिश्ड एंड राइट। मतलब बहुत सारे दंगे फसादों के कारण जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में भी, बहुत सारे दंगे फसादों के कारण अलग अलग प्लेसेस में इंडिया के सारे जो इग्नोरेंस, सारे जो सेल्फिश इंटरेस्टेड डिफरेंट सेक्शंस एंड रिलीजन्स, बायोग्रेटरी, मतलब बहुत सारे होमलेस बेघर भी हुए लोग और बहुत परेशान भी हुए। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में भी बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज आई थी जो हमारी मतलब बहुत सेल्फिश बनी थी, बहुत बुरी तरीके से, मतलब इंडिया की बहुत बुरी तरीके से हालतें हुई थी। दो भागों में भी इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान में बट गई थी। देयर इज़ अ नो हार्म इन हैविंग एनी मैनी रिलीजन्स। मतलब किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को हमने कोई हार्म नहीं होने दिया, कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दिया। बट वैन पीपल थिंक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन्स कम्युनिटी अबाउ द नेशनल इंटरेस्ट। पर फिर भी लोगों की थिंकिंग क्या है कि जो रिलीजन्स कम्युनिटी, जो मतलब एक साथ जो हमारी रिलीजन नेशनल इंटरेस्ट पे जो हमारी रिलीजन्स कम्युनिटी बनी, वो हर एक अलग अलग रिलीजन्स में बढ़ गई एंड हार्म्स इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अवर कंट्री। उससे क्या हुआ, हमारी जो मतलब यूनिटी, हमारी जो एकीकरण है, हमारी जो एकता है, उस पर क्या हुआ, हार्म पहुंचा, ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचा। वी शुड कंसीडर नेशनल इंटरेस्ट अबाव ऑल।
अब सेकेंड है लिंग्विज्म, लिंग्विज मतलब होता है भाषावाद। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स मतलब होता है उपभाषा। इंडिया हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस मतलब बहुत सारी भाषाओं की, बहुत सारी उपभाषाओं की कंट्री है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है हमारे भारत में। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी लव अवर मदर टंग एंड डायलैक्ट, पर उसके बाद में भी जो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो हम किस से प्यार करते हैं, हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज होती है। वी यूज़ इट इज़ अवर डेली एक्टिविटीज़, जिसको हम रोज़ हमारे रोजगार में यूज़ करते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन अंडरस्टैंड देयर मदर टंग ओनली, बहुत सारे पीपल अभी भी मतलब इस रीजन में ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी मदर टंग को ही अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब अपनी वही जो बचपन से बोली जाती हुई भाषा है उसी से ही अंडरस्टैंड होते हैं, उसी को समझते हैं। देयरफॉर रीजनल लैंग्वेज इज़ रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। इट इज़ एन अकाउंट अकॉर्डेंस टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। इट इज़ ईजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू मदर टंग। यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प इट्स डेवलपमेंट टू। मैनी टाइम्स ऑफ सोशल टेंशन रिव्यूज ओवर द इशूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, मतलब अलग अलग डिफरेंट रीजन में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज जो होती है वो बोली जाती है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ देयर लैंग्वेज अबाउंग द नेशनल इंटरेस्ट, दे लव देयर लैंग्वेज एंड नैरो व्यूज एंड हेटर्ड ऑफ फॉर अदर लैंग्वेज। वो क्या करते हैं, अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी जो भाषा होती है उसी से ही प्यार करते हैं, और दूसरी जो लैंग्वेजेस होती है उससे हेटवर्ड करते हैं, मतलब वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सच अ फीलिंग ऑफ वीकनेस, ये जो कम मतलब ये जो फीलिंग है ना हमारी, ये सब जो कमज़ोर बनाती है हमारी यूनिट ऑफ नेशन को, मतलब हमारे राष्ट्र के एकता को, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कमज़ोर बनाती है कि भैया आपको अपनी मदर टंग लैंग्वेज जैसे पसंद है तो आप दूसरी जो भी लैंग्वेज है उससे हेटर्ड कर रहे हैं, मतलब उसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको हिंदी बिल्कुल पसंद है तो आप इंग्लिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उससे हेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी एकता में बाधा डालती है। थर्ड अपन पढ़ रहे हैं कास्टिज्म, मतलब जातिवाद के बारे में। आवर एंशियंट वर्ण और कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। कास्टिज्म इज़ अ बिग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जो कास्ट है हमारी, ये भी सबसे बड़ी बाधा है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन की, राष्ट्रीय एकीकरण की। जैसे कास्ट को हर अलग अलग मतलब कास्ट में बांटा जाता है, जैसे कोई सेम कास्ट के मैरिज है, फूड हैबिट्स है, मतलब कि आपको मैरिज करनी है तो अपनी सेम कास्ट में करनी है, फूड हैबिट्स सबकी अलग अलग कास्ट की होती है। द पीपल ऑफ सेम कास्ट कुड नॉट ब्रेक अवे द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट। जो सेम कास्ट के लोग होते हैं वो अपनी कोई भी बाउंड्रीज को मतलब कोई भी बाउंडेशन को ब्रेक नहीं करते हैं, पर जो भी मतलब वाइटल रोल ऑफ द सोसाइटी, मतलब कोई भी अगर दूसरी कास्ट का उसके अंदर मिलेगा तो वो क्या होगा, वाइटल रोल होगा सोसाइटी में, मतलब वो एक बाधा डालेगा। ग्रेजुअली दिस सिस्टम बिकम हेरिडेटरी, मतलब क्या होता है कि जैसे हेरिडेटरी मतलब क्या होता है कि जैसे जो अपने पापा ने बोली वही हम भी बोलेंगे और उसके बाद हमारे बच्चे भी वही बोलेंगे। तो ये जो बर्थ से जुड़ी हुई होती है, बचपन से जो जुड़ी हुई होती है, इन सिस्टम को हम हेरिडेटरी बोलते हैं। जैसे जो मेजर डिफेक्ट क्या है इसके, जैसे कास्ट सिस्टम जो होती है वो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करती है, हाई क्लास को लो क्लास को भी डिवाइड करती है। जैसे बड़े लोग जो हाई क्लास के पीपल से, वो अलग अपने मतलब अलग लैंग्वेजेस बोलेंगे, अपनी अलग कास्ट के हिसाब से बात करेंगे। जैसे ST SC को मान लो कि ST SC को बहुत नीची जात माना जाता है, और मतलब उनको क्या बताया जाता है कि ये नीची जात के लोग होते हैं, और जैसे भंगी चमार होते हैं उन्हें नीची जात का माना जाता है, और हम अपने अपना आपको हाई स्टैंडर्ड मानते हैं। जो कास्ट सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है, हाई क्लास लो क्लास को भी डिवाइड करता है। अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। जो बड़े अपर कास्ट के अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं लोअर कास्ट के पीपल को, बेकार समझते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड। जो कास्ट का डिफरेंस है वो बहुत रिजिड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। जो एक कास्ट का जो प्रेशर होता है ये हमारी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं डालता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो कास्ट सिस्टम होता है ये, इससे हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी बहुत ट्रबल करना पड़ता है, और हमारी यूनिटी हमारे राष्ट्र की एकता को भी बहुत ट्रबल करना पड़ता है। सोशल रिफॉर्मर्स वॉइस्ड कंसर्न अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड एफर्ट्स टू रिमूव द एविल्स। द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स आर जैसे संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक्सेट्रा। ये सब हमारे प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जिनने मतलब हमारे सब भेदभाव को रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं।
टुडे विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स जैसे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अर्बेनाइजेशन, कास्ट सिस्टम हैज बिकम लेस रिजिड। मतलब आज के टाइम पे मतलब हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत फैल गई है, इंट्रोडक्शन सोशल रिफॉर्मर्स, डेवलपमेंट भी बहुत फैल गया है साइंस और टेक्नोलॉजी का, उससे क्या होने लगा है, ग्रोथ होने लगी इंडस्ट्री की, अर्बनाइजेशन की, कास्ट सिस्टम की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिक्लेयर्ड हो गया है कि जो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की ये जो भी सारी चीज़ें हैं और एक कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है सब इलीगल है, अगर आपने अब वापस ऐसा करा तो अब आपको जेल भी हो सकती है, सब चीज़ें काम इलीगल काम है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट और क्रीड, मतलब हमारे धर्म पंथ, हमारी कास्ट, हमारे रिलीजन्स को कोई भी डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं कर सकता है। द कास्ट सिस्टम इज़ द मेजर हर्डल इज़ द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सबसे बड़ा रोड़ा है ये नेशनल इंटीग्रेशन का कास्ट सिस्टम, मतलब सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है नेशनल इंटीग्रेशन का कास्ट सिस्टम, कास्ट का भेदभाव करना, जातिवाद करना। फोर्थ पढ़ते हैं टेररिज्म, मतलब आतंकवादी। द वर्ल्ड फेसेस हैव अ ग्रेट थ्रेट अवर फ्रॉम टेररिज्म, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी, हमारी ह्यूमैनिटी को, हमारी एकता को और हमारी डेमोक्रेसी को क्राइम, मतलब इसके अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं तो जो ये टेररिज्म करते हैं इससे भी हमारे बहुत, मतलब हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा ही है। इट इज़ अ बार्बरस फॉर्म ऑफ कार्नेज, कार्नेज मतलब होता है नरसंहार, मतलब जो टेररिस्ट होता है ये क्या करते हैं, लोगों को मार देते हैं, फियर पैदा करते हैं हमारे लोगों में, डर पैदा करते हैं, टेरर पैदा करते हैं हमारे रिलीजन्स में, पीपल्स को इनोसेंट जो मतलब जिनने कोई गलती नहीं करी उन पीपल्स को भी मार देते हैं। दे वेंट सेपरेशन बाई दिस एक्टिविटी, इसके कारण भी हमारा बहुत सेपरेशन हो रहा है। टेररिज्म इज़ प्लान मूव टू स्प्रेड वायलेंस टू गेन डिस्ट्राइड पर्पस, द टेररिस्ट बिलीव इन वायलेंस एंड कमिट डिवास्टिंग एक्टिविटीज़ एंड दिस डैमेजेस द कंट्री अलॉट, इससे हमारी कंट्री क्या हो रही है, बहुत डैमेज हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। दे बिलीव दैट गवर्नमेंट विल समडे एक्सपेक्ट देयर टर्म्स, दे जस्टिफाई यूज़ ऑफ वायलेंस अन डेमोक्रेटिक इन लीगल मीन्स इन द गार्ब ऑफ रिलीजन्स ऑल्सो, मतलब हमारे उस टाइम मतलब हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी जस्टिफाई किया गया है कि वायलेंस अन डेमोक्रेटिक इलीगल का जो भी ये जो भी मतलब इसका भी जो मतलब इलीगल ये सो भी जब भी जो भी काम होगा रिलीजन के अलावा। एट प्रेजेंट टेररिज्म इज पोस्टिंग कॉन्स्टेंट थ्रेट टू बी डिस्टिंग्रेट अवर नेशनल यूनिटी, ये हमारी नेशनल यूनिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है टेररिज्म, लोगों में डर पैदा करता है, लोगों को फालतू में ही बिना गलती के भी बहुत सारे लोग इन सब कारण मर भी जाते हैं। सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म मतलब तो आप समझते हैं अलग अलग। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रिलीजन्स गिव बर्थ टू सेपरेटिज्म, डिस्टर्बिंग स्टेट मतलब क्या होता है, रीजनल में अगर हमारे रीजन में हमारे समाज में सेपरेटिज्म अलग अलग होने की भावनाएं आएगी तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टेट है, हमारे को सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली जो दिक्कत होती है ना ये सेपरेटिज्म होती है जो हमारे रीजनल में फैलती है। और अगर हमारे सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग स्टेट अगर हमारे रीजन में अगर अलग अलग होने की भावना उत्पन्न होती है तो ये किसको बर्थ करती है, किसको बर्थ करती है, सेपरेटिज्म को। अगर हम सबसे ज़्यादा रीजन में मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ हमारे रीजन में यही होती है जिसको जो हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो क्या है, बर्थ ऑफ सेपरेटिज्म। ये सब क्या करती है, हमारे सेपरेटिज्म को, हमारे अलग अलग होने की भावनाओं को उत्पन्न करती है। जब से ही ये क्या होता है मतलब उत्पन्न होती है, मतलब बर्थ होती है, गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म, ये किसको जन्म देती है, सेपरेटिज्म को जन्म देती है, हमारे रीजन में अलग अलग होने की भावना, और यही हमारी सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग स्टेट होता है, ये हमारी सेपरेटिज्म को बर्थ देती है, अलग अलग होने की भावना को उत्पन्न करती है। टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट आउट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेपरेटिज्म, टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट को हमारी जो कंट्री होती है ये क्या होती है, सेपरेटिज्म, इसको हम सेपरेटिज्म बोलते हैं, जो हमारी डिमांड है ना कि हमको अलग अलग देश चाहिए, बिल्कुल अलग, मतलब सबको अपना अपना अलग अलग स्टेट चाहिए, हमारी कंट्री में सब इस तरीके से अलग अलग अपना अपना स्टेट कर लेंगे, तो ये सब क्या है, सेपरेटिज्म ही तो है। पीपल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस लिव हियर, यहाँ पर अलग अलग कास्ट के अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग भी रहते हैं। समटाइम्स फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड इंस्पायर्स देम टू मेक डिमांड टू सेपरेट स्टेट,
द बॉर्डर स्टेट्स एंड ऑफन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स एंड रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड सेपरेशन। ये जो मतलब इस तरीके की जो भी फीलिंग्स होती हैं ये काय को उत्पन्न करती है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सेपरेशन को। सेपरेशन की सबसे ज़्यादा फीलिंग कब उत्पन्न होती है, जब ये सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टेट ही जब होता है जब ये सेपरेटिज्म की भावनाएँ हमारे अंदर अलग अलग होने की भावनाएँ उत्पन्न होती है। द एक्सटर्नल फोर्सेस टू डिस्टेबलाइज द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सम पीपल लिविंग इन द कंट्री ऑल्सो इंक्लूड द सेपरेटिज्म टू फुलफिल द वेस्टेड इंटरेस्ट। द एनिमीज ऑफ द कंट्री एंड फंडामेंटलिस्ट इवन चूज टू फॉलो द पाथ ऑफ अ वायलेंस एंड टेररिज्म। जैसे टेररिज्म है, आतंकवादी है, वायलेंस है, झूठ बोलने का है, एनिमीज है हमारी कंट्री में, ये सब चीज़ें जो भी होती है ये सब क्या है, सेपरेटिज्म के पाथ है। द टेंडेंसीज ऑफ सेपरेशन इज अ मेजर चैलेंज ऑफ यूनिटी ऑफ अ कंट्री। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारी एकता के लिए। सबसे बड़ा टेंडेंसी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सेपरेशन, अलग अलग होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी बाधा है ये हमारे लिए। दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन कुड बी इवेडेड बाय सोशल जस्टिस। ये जो फीलिंग है सेपरेशन के अलग अलग होने की, ये किसी दिन इवेडेड, मतलब ख़त्म कर देगा हमारी सोशल जस्टिस को, डिसेंट्रलाइज को, और हमारे बैलेंस डेवलपमेंट को, मतलब हमारे डेवलपमेंट जो हमारा बैलेंस्ड बना रहता है, बैलेंस डेवलपमेंट को ख़त्म करेगा, डिसेंट्रलाइज को ख़त्म करेगा, सोशल जस्टिस को, न्याय को ख़त्म कर देगा, अगर हम सेपरेशन की भावना रखेंगे तो। तो हम इस पूरे चैप्टर में यही समझते हैं कि हमें सेपरेशन की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अलग अलग होने की भावना रखेंगे मतलब हम हमारी कंट्री को तोड़ रहे हैं, हम हमारी कंट्री को बर्थ कर रहे हैं सेपरेशन को, मतलब हमारी कंट्री बेकार हो रही है। हमें कभी भी अलग अलग होने की भावना तो हमारे यूनिटी में आनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा अड़ंगा एक सेपरेटिज्म हुआ, टेररिज्म हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ, लिंग्विज्म हुआ, भाषावाद हुआ, है ना, कम्युनलिज्म हुआ, ये सब क्या है, डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस है जो हमारे देश को विघटनकारी, जो हमारे देश को तोड़ने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए हैं अच्छे से, ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से अपने अधिकार है जो हमारे प्रमोशनल फोर्सेस हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ा है। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, दो टाइप्स के नेशनल इंटीग्रेशन होते हैं, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो आपको मिल जाती है आपकी PDF में, ठीक है। तो अपन ने नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकीकरण का चैप्टर आज कंप्लीट करा है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।